यूपी समेत देश में नौकरी को लेकर लगातार हल्ला मचता रहता है, कहीं परिणाम को लेकर तो कहीं परिणाम आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थी धरने पर हैं। अभ्यर्थियों ने लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग की है। बता दें कि कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए विज्ञापन 21 नवम्बर 2022 को निकाला गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 27 अगस्त 2023 को सम्पन्न हुई। इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद 6 फरवरी 2024 को आया। ऐसे में परिणाम को आए हुए लगभग 8 महीने का समय बीत गया है, पर अभी भी इसके संबंध में कोई नोटिस नहीं आई है, जिससे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं।